नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट की और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की जो रिसेंटली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है और जिसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है। मैं बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस बिल के क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। इससे पहले हम देखते हैं कि इंडिया की जो सिटीजनशिप होती है वो मिलती कैसे है और वो कैसे आपके पास से जा सकती है। हाउ कैन यू लूज योर सिटीजनशिप, राइट? तो सबसे पहले जो सिटीजनशिप का मेथड है वो है दोस्तों सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि जिसे हम कहते हैं भूमिपुत्र। आपने सुना भी होगा इंडिया की पॉलिटिक्स में भूमिपुत्र की बात होती है। भूमिपुत्र से मतलब है सन ऑफ सॉइल, यानी कि अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। अब ये बेसिक रूल था, ठीक है? और लेकिन बाद में टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट किए हैं पार्लियामेंट ने। तो अब हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है आज की डेट में। सबसे पहले सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का, ये डील करता है विद सिटीजनशिप विद बर्थ बाय बर्थ। उसके बाद व्हेन दिस लॉ लॉ वाज फर्स्ट मेड इन 1955, दिस सेक्शन स्टेटेड दैट ऑल दोज हु आर बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर फर्स्ट जनवरी 1950 विल बी इंडियन सिटीजन, यानी कि 1 जनवरी 1950 के बाद पैदा होने वाले सभी हिंदुस्तानी, सभी लोग भारतीय मां समझे जाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद फिर 1986 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें ये हुआ कि जो बर्थ राइट थे उसको लिमिटेड कर दिया गया और ये कर दिया गया कि दोज हुआर बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 1950 टू जनवरी 1, 1987 सिर्फ इनको ये राइट मिलेगा, राइट? उसके बाद कंडीशन ये चेंज कर दी गई कि एक और कंडीशन इसमें जोड़ दी गई, वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू दोज हु वर बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 1 जनवरी 1987, यानी कि इस डेट के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका एक पेरेंट्स भी इंडियन होना चाहिए, दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स इंडियन होना चाहिए, अदरवाइज फिर यू वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। इट ऑल्सो चेंज द डेफिनेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसने इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन भी चेंज कर दी और इसके परव्यू से ग्रैंड पेरेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है? नहीं तो पहले क्या होता था, अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन थे और उसके फिर पेरेंट्स ने जो है यूके की या यूएसए की सिटीजनशिप ले ली तो अगर वो बच्चे जो है उनके जो उसकी भी थर्ड जनरेशन जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहती है तो उसके पेरेंट्स के पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स की अगर इंडियन सिटीजनशिप थी तो उसको भी इसके बाद एक्सक्लूड कर दिया गया, राइट? फिर इसके बाद और इसमें 2003 में अमेंडमेंट किया गया और इस कंडीशन को टाइट कर दिया गया, दोज हुवर बॉर्न आफ्टर 3 दिसंबर 2004 विल बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप ओनली इफ वन ऑफ द पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजन एंड अदर इज नॉट इलीगल माइग्रेंट। अब ये इलीगल माइग्रेंट का जो अभी नया सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया है ये सारा विवाद इसी इलीगल माइग्रेंट्स पे ही है, राइट? तो इलीगल माइग्रेंट से बेसिकली वो लोग होते हैं जो इंडिया में आते हैं विदाउट ट्रेवल डॉक्यूमेंट, विदाउट वीजा, विदाउट परमिशन खुद आते हैं क्योंकि ड्यू टू वेरियस कंडीशन इन देयर ओन कंट्री, जैसे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब कंट्रीज से जो आ जाता है बिना ट्रेवल डॉक्यूमेंट के बिकॉज ऑफ ओपन बॉर्डर और बाय इलीगल इलीगल मीन्स इन इलीगल चैनल्स, तो उसको हम इलीगल माइग्रेंट कहते हैं, ठीक है? तो अब ये और कंडीशन को टाइट कर दिया गया है, राइट? तो ये होगी सिटीजनशिप बाय बर्थ। अब उसके बाद हम देख सिटीजनशिप बाय डिसेंट। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब आपके पेरेंट्स इंडियन हो और आप को इंडियन सिटीजनशिप जब दी जाए तो एन इंडिविजुअल हु इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अब आपका जन्म इंडिया में नहीं हो रहा है, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अब आप भी ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाएंगे बाय डिसेंट, बट नॉट बाय बर्थ बट बाय डिसेंट। अब इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको जो है ना इंडियन कॉन्सुलेट में, यानी कि जो उस कंट्री में इंडिया का कॉन्सुलेट होगा वहां पे आपको 1 साल के अंदर अंदर रजिस्टर कराना है इस डेक्लरेशन के साथ कि वो जो बच्चा है ही डज नॉट होल्ड पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, राइट? ये आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो आपको
इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप कैसे मिलती है दोस्तों, ये उन सारे फॉरेन सिटीजन्स के लिए है जिनका जिनका कोई बॉन्ड होता है बाय वे ऑफ मैरिज और एंसेस्ट्री, यानी कि किसी की कोई पिछली पीढ़ियों में इंडिया में रहा हो, या किसी की शादी इंडिया में हुई हो, या किसी इंडियन से हुई हो, तो उसमें ये मेंबरशिप मिलती है। द एप्लीकेंट हैज़ टू सेटिस्फाई द कंडीशन प्रेस्क्राइब फॉर पीरियड ऑफ डोमिसाइल इंडिया फॉर दिस, यानी कि उसके लिए जो कंडीशन थी जैसे पहले बिफोर दिस न्यू अमेंडमेंट, द कंडीशन वॉज कि उसे कुछ साल इंडिया में रहना पड़ता था, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है, अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो अब कोई किसी इंडियन से आपने शादी कर ली है तो और फॉरेनर हैं तो आपको वो सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो श्रीमती सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, उनको जो सिटीजनशिप मिली हुई है इंडिया की, वो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ही मिली हुई है ड्यूरिंग दी प्रीवियस गवर्नमेंट्स रूल। हमारे देश की जो पिछली सरकारें थी उन्होंने ये सिटीजनशिप उन्हें दी थी। नाउ नेक्स्ट इज सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो इसमें जो है ना दोस्तों क्या होता है, ये उन लोगों के लिए जिनका ना तो कोई यहाँ ब्लड से रिलेशन है, ना वो इंडिया के इंडियन बॉर्न है, और ना कोई मैरिज है, ठीक है। ये जो है ना दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये टोटल डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट चाहे तो दे, गवर्नमेंट चाहे तो ना दे, राइट। तो जब आपका कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी लिंक नहीं है, ना ब्लड से, ना सॉइल से, ना मैरिज से, तब आपको अगर इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो आप कैसे ले सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आई एम एन इंडियन एंड इफ आई वॉन्ट टू ऑब्टेन दिस सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, देन मेरा इन तीनों में से यूएसए से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो फिर मैं कैसे ले सकता हूँ। तो फिर दिस इज द मैटर। तो ये यूएस की गवर्नमेंट का मैं यूएस की सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन से ले सकता हूँ, और फिर वो यूएस की डिस्क्रिप्शन है कि वो मुझे सिटीजनशिप देगा या नहीं देगा, राइट। ये थर्ड शेड्यूल में इसकी कंडीशन मेंशन की गई है जिसमें कि द एप्लीकेंट नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट, मतलब वो एक तो पहली बात तो वो घुसपैठिया नहीं होना चाहिए हमारे देश में, मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 12 मंथ, यानी कि लगातार 1 साल आपको रहना है बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, मतलब 1 साल पूरे आपको इंडिया में रहना है। आउट ऑफ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स बिफोर द सेट पीरियड ऑफ 12 मंथ द एप्लीकेंट मस्ट हैव रिजाइडेड इन इंडिया फॉर एन एग्रीगेट ऑफ 11 ईयर्स, यानी कि लगभग 11 साल आपको इंडिया में रहना है अपार्ट फ्रॉम दिस 12 मंथ, मतलब ये 12 महीने अलग है उससे। नाउ ये अब जो मैंने बताया आपको कि अब ये कंडीशन रिलैक्स कर दी गई है फॉर नॉन मुस्लिम माइग्रेंट, अब यही सारा जो है विवाद की जड़ है आज की डेट में हमारे देश में, अभी इसमें काफी प्रॉब्लम चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी 2-3 PIL लग चुकी हैं। द रीसेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस चेंज रिड्यूस द पीरियड ऑफ 11 ईयर टू 5 ईयर्स फॉर नॉन मुस्लिम माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान हु हैव एंटर्ड इंडिया इन बिफोर 31 दिसंबर 2014, यानी कि ऐसे नॉन मुस्लिम लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में रह रहे थे, वो अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं भले ही वो इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग थे, ठीक है। मतलब इलीगल माइग्रेंट का मतलब बेसिकली वो इतने जो बिना ट्रेवल डॉक्यूमेंट के या बिना वीजा के इंडिया में एंटर करता है। इसमें जो इसके जो एग्जांपल है वो पाकिस्तान के सिंगर अदनान सामी हैं और दलाई लामा हैं आर पर्सन एग्जांपल हु गॉट सिटीजनशिप अंडर दिस सेक्शन 6। सेंटर हैज पावर टू वेव ऑल कंडीशंस ऑफ नेचुरलाइजेशन फॉर इंडिविजुअल हु इन इट्स ओपिनियन रेंडर डिस्टिंग्विश सर्विस फॉर कॉज ऑफ साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने कहा कि सरकार के पास इसमें टोटल डिस्क्रिशन है कि सरकार बिल्कुल सारी कंडीशन भी वेव कर सकती है, राइट। सरकार की मर्जी है, सरकार चाहे तो दे दे, सरकार चाहे तो ना दे। दोज हु ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन हैव टू डिक्लेयर एन ओथ ऑफ एलिजियंस टू इंडिया एंड शुड रिनाउंस देयर प्रीवियस सिटीजनशिप, यानी कि उन्हें अपनी प्रीवियस सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि अदनान सामी ने अपनी पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी है।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, एन इंडिविजुअल कैन नॉट क्लेम सिटीजनशिप बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन एज अ मैटर ऑफ राइट एंड इट इज अ प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट और नॉट टू ग्रांट राइट। तो ये होगी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप को आप कैसे खो सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो सबसे पहला है रिनंसिएशन, यानी कि जो सेक्शन 8 में दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से अपनी सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, आप त्याग देते हैं अपनी इंडिया की सिटीजनशिप को, राइट? इसमें क्या होता है, पर्सन मे रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप बाय सबमिटिंग अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ऑन रजिस्ट्रेशन द इंडिविजुअल एंड हिज माइनर चाइल्ड विल सीज टू बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है? जो भी इंडिया का कॉन्सुलेट या इंडिया का एम्बेसी होगा, आप वहाँ जाके आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि भैया मुझे इंडिया की सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं है, और आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। द माइनर चाइल्ड ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी हैज ऑप्शन ऑफ रिज्यूमिंग इंडियन सिटीजनशिप बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी विद इन अ ईयर ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी। यानी कि अगर किसी पेरेंट्स ने जो है पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, हम ऐसे समझते हैं, और बच्चे को बाद में लगता है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप ही लेनी चाहिए, जैसे मान लीजिए दाऊद इब्राहिम के केस में हम समझते हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो आज की डेट में एज पर गवर्नमेंट क्लेम सीजन पाकिस्तान, तो उसके बच्चे अगर कोई मेजॉरिटी अटेन करने पे ये चाहें कि हम वापस इंडिया की सिटीजनशिप ले लें, तो वो ले सकते हैं विद इन अ वन ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, दिस इज एप्लीकेबल टू एंटायर वर्ल्ड। नाउ सेकेंड इज टर्मिनेशन, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिंस इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज ड्यूअल सिटीजनशिप एंड इंडिविजुअल सीज टू बी एन इंडियन सिटीजन ऑन एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। यानी कि जैसे ही आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं, वैसे ही आपकी सिटीजनशिप चली जाती है इंडिया की, राइट? तो क्योंकि हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद डेप्रीवेशन, ओनली दो सिटीजन हु हैव एक्वायर्ड बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, इनकी सिटीजनशिप सरकार कैंसिल भी कर सकती है। जैसे कि अभी एक पाकिस्तान के लीडर के सन थे, फॉर्मर पाकिस्तान लीडर ताहिरुल कादरी, जो पाकिस्तान के शायद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उनके सन को इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप दी हुई थी, तो उन्होंने कुछ आर्टिकल या पता नहीं कोई टाइम मैगजीन में उन्होंने कोई फोटो बनाई थी मोदी जी की, जिसमें वो डिवाइसिव करके उन्होंने ऐसे फोटो बनाई थी, और उसमें क्या हुआ था, फिर गवर्नमेंट ने उनकी सिटीजनशिप जो है कैंसिल कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर ऑफ डिप्राइविंग एन इंडिविजुअल ऑफ सच सिटीजनशिप आफ्टर गिविंग एन फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब इस केस में जो है उन्हें जो हियरिंग के लिए जो टाइम दिया गया था वो केवल 24 घंटे का टाइम दिया गया था, और उनसे उनकी सिटीजनशिप ले ली गई, राइट? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वॉज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, और गवर्नमेंट ने यही रीजन दिया था कि इन्होंने कंसीलमेंट किया है कि इनके फादर जो हैं एक पाकिस्तानी थे, राइट? ये गवर्नमेंट ने कहा था इनकी सिटीजनशिप कैंसिल करते हुए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। द पर्सन हैज शोन हिमसेल्फ टू बी डिसलॉयल और डिसअफेक्शनेट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द पर्सन कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर। द पर्सन हैज बीन सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट इन कंट्री Within 5 years of obtaining citizenship of India, यानी कि भारत की नागरिकता पाने के 5 साल के अंदर अंदर आपको जो है उम्र कैद की सजा हो गई। The person has been ordinary resident outside India for continuous period of 7 years, unless for purpose of residence was academic or government service, यानी कि अगर आप पढ़ने वढ़ने के लिए जाते हैं या किसी government service में जाते हैं तो जा सकते हैं आप, नहीं तो अगर आप continuous 7 साल के period के लिए जाते हैं तो फिर आपकी जो है सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी, राइट? नाउ नेक्स्ट इज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ओवरसीज सिटीजनशिप है ये क्या चीज है? बेसिकली ये उन इंडियंस के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं बट वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। अब इंडिया की जो मैंने बताया ड्यूअल सिटीजनशिप की परमिशन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है, इंडिया का लॉ नहीं देता है, बट क्योंकि बाहर के लोग जो हैं इंडिया जो इंडियन ओरिजिन के थे वो अपना कनेक्शन इंडिया से बना के रखना चाहते थे, तो ये जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय अमेंडमेंट इन सिटीजनशिप एक्ट इन 2005। अब इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको इंडिया में आपकी मल्टीपल एंट्रीज का आप कर सकते हैं, ये सेक्शन है इसमें, ठीक है?
टू प्रोवाइड फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनको एक OIC कार्ड मिलता है, राइट। और इसमें जो बेसिकली होता है, आपको लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल पर्पस, लाइफ लॉन्ग वीज़ा, एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर फॉरनर्स एक्ट, ये सारी आपको इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं, और NRI जैसी आपको पैरिटी मिल जाती है, ठीक है। बट इसमें जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि आप इंडिया के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, नो राइट टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, यानी कि आप भारत सरकार में मंत्री, भारत सरकार के अफसर या यू नो IAS ऑफिसर, या कोई भी आप गवर्नमेंट की पोजीशन हेल्ड नहीं कर सकते, और आप भारत में एग्रीकल्चर लैंड बाय नहीं कर सकते। ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। नाउ इलीगल माइग्रेंट्स नॉट टू बी सिटीजन, ये हमारा बेसिक लॉ था, राइट। नाउ जो सेक्शन 21B ऑफ द एक्ट है वो ये कहता है कि इलीगल माइग्रेंट इज फॉरनर हु एंटर्ड इनटू इंडिया विदाउट वैलिड पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट, हैज बिन ओवर स्टेइंग इन इंडिया बियॉन्ड द टाइम परमिटेड इन दी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वीजा आपका 1 महीने का था और आप यहाँ रह रहे हैं 1 साल तक, तो ये सब जो है इसको हम कहते हैं इलीगल माइग्रेंट, राइट। तो अब जो 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 नया अमेंडमेंट आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, वो एग्जम्पशन देता है इन फेवर ऑफ नॉन मुस्लिम माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, राइट। इन तीन कंट्रीज के लोगों को जो कि नॉन मुस्लिम है, ठीक है। इसमें ये प्रोविजो जोड़ दिया कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम दीज कंट्रीज बिफोर 31 दिसंबर 2014 विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट, और सरकार उनको नागरिकता दे सकती है। क्योंकि ये जो कंडीशन है सबसे पहली कि अगर आपको नागरिकता अप्लाई करनी है तो आप यू मस्ट नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट, तो ये प्रोविजो डाल के इस इफेक्ट को खत्म किया गया है, राइट। अब समस्या ये है, जो कुछ जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो ये है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाई द सिटीजनशिप इज ग्रांटेड टू ओनली पीपल कमिंग फ्रॉम दीज थ्री कंट्री, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, व्हाई नॉट टू पीपल कमिंग फ्रॉम श्रीलंका, व्हाई नॉट कमिंग पीपल फ्रॉम नेपाल, भूटान, म्यांमार, राइट। इन सब कंट्रीज के लिए ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है, राइट। दूसरी बात ये है कि जो इसमें जो नॉन मुस्लिम वाला क्लॉज जोड़ा गया है, ठीक है, ये इसके लिए भी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं एक तरह से, पर मेरे हिसाब से ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि दीज पीपल आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। दीज पीपल आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर फॉरनर्स अकॉर्डिंग टू लॉ, सो यहां पे आप आर्टिकल 14 क्लेम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो ये, और जैसा कि हमने देखा कि नेचुरलाइजेशन के केस में तो जो जो डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट की वो बहुत वाइड है और वो गवर्नमेंट कर सकती है, तो लीगली आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस लॉ। बट कुछ क्वेश्चंस हैं कि इन इन तीन को ही क्यों दी जा रही है। और फिर अभी आसाम में एक डिस्प्यूट भी चल रहा है कि आसाम के लोगों को लगता है कि उनकी जो कल्चर है वो थ्रेट में आ जाएगी फ्रॉम दी दोज पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, और उसमें बड़ी तादाद में बंगाली हिंदू भी हैं। और दोस्तों मेरी जो इस पे राय है, मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, वो ये है कि हमें इस कानून की कोई जरूरत ही नहीं थी, राइट। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 135 करोड़ पीपल हैं, वी आर ऑलरेडी अ कंट्री ऑफ 135 बिलियन पीपल, वाई डू वी नीड टू यू नो गेट दीज इलीगल माइग्रेंट्स, हमें जरूरत क्या है इसकी, ठीक है। सिर्फ बेसिकली दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यू नो क्रिएटिंग अ न्यू वोट बैंक क्लस्टर बाय गिविंग सिटीजनशिप टू दीज पीपल, और जो अपोजिशन है वो इसे, क्योंकि इसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया तो गवर्नमेंट जो है इसको अपने तरीके से प्ले कर रहा है, गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए प्ले कर रहा है, और अल्टीमेटली हम लोग जो हम इंडिया के सिटीजन हैं हम इसके सफरर होंगे। क्योंकि अब ये जो जो लोग इंडिया में जो इलीगल माइग्रेंट है ये सारे बहुत ही गरीब तबके से आने वाले लोग हैं, दे आर वेरी पुअर पीपल, राइट। और ये भी रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, तो इन लोगों के पास कोई खास पैसे वैसे तो है नहीं, तो दे आर
राइट नाउ डूइंग सम काइंड ऑफ यू नो झुग्गियां डाली हुई हैं, एनक्रोचमेंट की हुई है। अब जब ये इंडियन सिटीजनशिप हो जाएंगे तो फिर इनको राइट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दे आर बेसिकली यू नो इंक्रीजिंग आवर ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी इन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, और ये गवर्नमेंट ने आई डोंट नो क्यों बिल इंट्रोड्यूस किया, और वो भी इस तरह से। गवर्नमेंट इसमें सिर्फ इतने सारे रिविजन लिखने की बजाय ये भी लिख सकती थी दैट दोज पीपल हु हैव कम टू इंडिया हु आर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन दोज कंट्रीज। अब ये सब लिख के गवर्नमेंट ने जो है ना एक एक, एक तरह का जान पूछ के डेलिबरेटली एक प्रॉब्लम खड़ी करी गई है ताकि जो है पॉलिटिकल एडवांटेज ली जाए। अब दोनों साइड पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट की साइड भी और अपोजिशन की साइड भी। तो खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट कीजिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कंसिडर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।